आप चलो ठीक है, सपोज हम पानी की टंकी के पास बनाए या गांधी ग्राउंड में आपका बनाए चाहे यहाँ बनाए, कंट्रोल तो आप लोगों का होना ही चाहिए अपने उनके ऊपर, यूनियन वालों के ऊपर, है ना। फिर नहीं होगा, फिर पुलिस कार्रवाई करेगी तो आप लोग परेशान रहते हैं। तो इसलिए सबको समझा दो कि हम इस बार इस चीज को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने वो तो कहकर कहा जी गाड़ी वालों कहीं बाहर से ही भरेगा उसका चलान होगा। ये जीप वालों का तो फीस क्या है? तो किलोमीटर के हिसाब से होगा भाई, ये ना ऐसा है किलोमीटर के हिसाब से हमने सीमा जो करके निकाला है, वो जो किराया निकाला है उसी हिसाब से निकाला था। वो तो आरडीओ में होगा, यहाँ पे आरडीओ में नहीं, रोडवेज की बस में 730 रुपए का आप दे सकते हैं जी, जो साथ है ठीक है आरडीओ में जी कुल हिसाब से है ना। तो उन चीजों का ध्यान रखना यार, क्योंकि मैं जितनी बार भी गया हूँ, खास कई लोग पैदल जा रहे हैं, तो उन लोगों का ध्यान रखना है। एक एक्सीडेंट हुआ और अच्छा आदमी भी पिस गया, क्योंकि सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है ना। तो आप लोग थोड़ा धीरे चला लो, सही से चला लो गाड़ियों को अपनी, ठीक है। ये है क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ पर पूर्णा के लिए मेला जो आगामी मार्च 29 से होना है उससे संबंधित एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया था, जिसमें मंदिर समिति के साथ साथ नगर पालिका टनकपुर, नगर पंचायत बनबसा और टनकपुर के व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, होटल एसोसिएशन, इन सबको हमने आमंत्रित किया था। बैठक में आगामी मेले से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। ये तय किया गया कि इस बार जो मेला है वह 30 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेगा। साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वो गत वर्षों की तरह इस बार भी मेला संचालन समिति द्वारा दी जाएंगी। विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी कुछ मांगे हमारे सामने रखी हैं, जिसमें कि जो व्यापार मंडल हैं और जो हमारे जो होटल एसोसिएशन है उनकी एक डिमांड थी कि मेले को जो है टनकपुर में रोका जाए। इसी के साथ साथ स्वच्छता और सफाई से संबंधित, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। एक सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा एक बड़ी मांग ये रखी गई कि मेले की जो अवधि है वो जो एक महीना है उसे 3 महीना किया जाए। तो बेसिकली आज हमने इन सबके जो विचार हैं, जो इनकी जो बातें हैं और ये अपनी हमने सुन ली हैं, और हम इसको अपनी जो हमारी मेला संचालन समिति है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही जिलाधिकारी महोदय को भी इससे अवगत कराया जाएगा। जिले के जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक एनएचपीसी गेस्ट हाउस में की थी, और उसी दिन मेला मजिस्ट्रेट जो हमारे एसडीएम हुआ करते हैं टनकपुर तहसील के, उनको निर्देश दिया था कि विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ आप एक बैठक आहूत करके और सबकी मनसा को जानते हुए और सबके विचारों को लेते हुए किस प्रकार से मेले की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है, एक ऐसी बैठक का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक है। उसी के चलते हुए आज एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें बनबसा व्यापार मंडल, बनबसा नगर पालिका, टनकपुर नगर पालिका एवं टनकपुर व्यापार मंडल और सारे संभ्रांत जनप्रतिनिधियों ने यहां पर अपनी अपनी मांगें रखी हैं, जिसको एसडीएम साहब ने स्वीकार किया है। हम सब लोगों का प्रयास ये रहेगा कि आने वाला जो तीर्थयात्री है उसको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा मिल सके, और एक ऐसा मैसेज यहाँ से जाए कि यहाँ का जो प्रशासन है या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं ये अच्छी यहाँ व्यवस्था करते हैं और मेला बढ़े।